हेलो गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी की जो सेकंड हमारे पास टर्म है एक स्मार्ट स्प्लिट की, तो इसको डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि स्मार्ट स्प्लिट में हमारे पास क्या होता है। तो हम इसके लिए स्मार्ट स्प्लिट को जो है वो ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो अब इसमें हमने देख लिया है कि इसमें स्मार्ट स्प्लिट जो होता है वो क्या होता है। अब हम आए हैं यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट में। स्मार्ट स्प्लिट में एक आप ये चीज़ देखिए कि कहता है कि इन एन ऐप, इस एप्लीकेशन में या इस ऐप में दैट सपोर्ट्स स्क्रीन स्प्लिट, यू कैन स्लाइड अप विद थ्री फिंगर्स टू एनेबल स्क्रीन स्प्लिट। तो हमने थ्री फिंगर्स से स्क्रीन को स्प्लिट करना होता है। तो ये अभी हम देखते हैं कि इनको किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम इसको स्प्लिट करने लगते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो कहता है आपने जिस तरह से हम स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उस तरह से ही हम इसको स्प्लिट करते होते हैं। स्क्रीनशॉट में क्या होता है, स्क्रीनशॉट में हम जो है वो आते हैं ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करते हैं, और इसमें हमने स्लाइड अप करना होता है थ्री फिंगर्स को, तब हम स्मार्ट स्प्लिट में चले जाते हैं। मतलब आपकी स्क्रीन जो है वो हाफ़ हो जाती है। हाफ़ में आप दो चीज़ें देख सकते हैं, कोई आपने एप्लीकेशन ओपन की है वो देख सकते हैं, और अगर आपने कोई और जो है वो एप्लीकेशन चलानी है तो वो भी इसमें देख सकते हैं। अच्छा, एक तो इसका ये हो गया, और दूसरा इसमें सेकंड वाला ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये सारा कुछ समझा रहा है कि आपने किस किस तरह से जो है ये करना होता है। स्प्लिट करके आप क्या इससे वीडियो चला सकते हैं, ऑडियो चला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो ये वो बता रहा है आपको। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये सेकंड वाला उसने ऑप्शन बताया है, तो इस तरीके से भी हम स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन को। ठीक है, ये ठीक है, तो इस तरीके से भी स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है। इसमें जो थर्ड वन मेथड है वो हमारे पास है कुछ इस तरह का। ये देखिए, अब हम स्क्रीन को यूँ करते हैं, हमारे पास कोई मैसेज आता है उसको डायरेक्ट आप स्क्रॉल कर दें। ये स्क्रीन आपने इस तरह से रखनी है, जिस तरह से हम वाइट स्क्रीन शो करते हैं ना, बड़ी स्क्रीन, तो आपने उस तरह से रखनी है। उस तरह से रखने के जैसे ही मैसेज आया आपका, आप फौरन उसको स्लाइड कर दें। स्लाइड करते ही आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी, टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक साइड पे आप मैसेज चैट कर रहे होंगे, दूसरी साइड पे आप कोई वीडियो वगैरह या कुछ भी वो सीन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो ये होता है स्क्रीन स्प्लिट हमारे पास। तो इस तरह से आप स्क्रीन स्प्लिट करते हैं। अच्छा, तो हमने अब नीचे जो है इसमें इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा हुआ है, यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि स्प्लिट स्लाइड अप विद थ्री फिंगर्स टू स्प्लिट द स्क्रीन। स्क्रीन शॉट के लिए हम थ्री फिंगर्स नीचे को ले आते हैं, ठीक है। जब हम स्मार्ट स्प्लिट करते हैं तो थ्री फिंगर्स ऊपर को ले जाते हैं, ये इसकी सेटिंग होती है, मेन सेटिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा अगर हमें कोई मैसेज आता है तो उसको भी हम डायरेक्ट स्प्लिट पे ले आते हैं, ठीक है। तो ये भी है इसका तरीका। तो जिस तरह से आप इजी हो उस तरह से आप कर सकते हैं, जिस तरह से आपको ज़्यादा समझ आए। तो आप अच्छा, तो हमने अब देख लिया है कि मैसेज को भी हम मैसेज के ज़रिए से भी स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं, स्मार्ट स्प्लिट से कहते हैं, ठीक है। तो अब इसने नीचे बताई हुई है कि अगर आपका किस किस का मैसेज आए तो ये स्प्लिट हो जाती है, एक व्हाट्सएप का और दूसरा अकेला मैसेज या फिर फेसबुक का। तो ये है हमारे पास स्मार्ट स्प्लिट स्क्रीन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।